हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सक्वेयर लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम स्किन्स के बारे में देखेंगे एएसपी नोटनेट में। स्किन्स असल में आपकी कुछ इस तरह की चीज़ होती है कि आप अपने किसी पेज पे, वेब पेज पे कोई एक एलिमेंट लगाते हैं लाइक बटन। उस बटन पे आपने जो जो स्टाइलिंग करनी होती है आप वो कर देते हैं, उसका आप कलर चेंज कर देते हैं, उसका आप टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, उसका आप विड्थ हाइट चेंज कर देते हैं, उसको आप बोल्ड कर देते हैं टेक्स्ट को, और जो जो भी प्रॉपर्टीज आपने अप्लाई करनी है आप उस पर अप्लाई कर देते हैं कि जैसा आपको एक बटन चाहिए आप वैसा अपना बटन डिजाइन कर लेते हैं। फिर आप उस बटन को स्किन्स के थ्रू पूरे वेब पेज पे अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको इसकी एक लाइव एग्जाम्पल दूं तो हमारे पास फेसबुक पे के जो जितने भी बटन्स होते हैं वो एक थीम के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनका जो बैकग्राउंड होता है वो स्पेसिफिक ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का एक शेड होता है, खास शेड होता है, और जो उनका टेक्स्ट होता है वो वाइट होता है, और पूरी फेसबुक के जितने भी बटन्स हैं मोर और लेस वो इसी तरह के ही होते हैं। तो ये काम करने के लिए अगर आपको सब पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ी तो फिर आपको हर एक नए आने वाले बटन पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ती है। इस चीज से बचने के लिए आप एक ही दफा जिस तरह का बटन आपको चाहिए होता है आप वो बटन एक दफा डिजाइन करके रख लेते हैं अपने पास, और नए आने वाला हर बटन जो होता है वो फिर उसी बटन की तरह से क्रिएट होता है जैसे आपने फर्स्ट बटन क्रिएट किया था। तो ये काम स्किन्स के थ्रू होता है कि स्किन्स कैन बी यूज टू अप्लाई द कॉमन स्टाइल टू इंडिविजुअल ASP.NET कंट्रोल्स, कि एक स्टाइल को, एक कॉमन स्टाइल को आप पूरी ASP.NET के जो कंट्रोल्स हैं यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स या जो लेबल्स वगैरह हैं आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं। So, हम इसको करके देखते हैं कि काम किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ASP.NET में, विजुअल स्टूडियो में, उसका नाम हम रख देते हैं स्किन्स एचस्क्वेयर लर्निंग। हम यहाँ पर अपना जो वेब पेज होगा हम उस वेब पेज पर हम एक बटन डिजाइन करेंगे जिस बटन को हम कुछ प्रॉपर्टीज देंगे, फिर हम उस बटन को स्किन्स में रखवा देंगे। स्किन का एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर हम स्किन की एक थीम के फोल्डर के अंदर एक स्किन की फाइल बनेगी, हम उसके अंदर रखवा देंगे, और उसके थ्रू हम अपने पेज पर जितने भी नए बटन ऐड करेंगे वो सारे बटन हमारे उस बटन की तरह से शो होंगे जो हम फर्स्टली क्रिएट कर चुके हैं। सो इसकी जो एग्जांपल है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, और इसे इस एग्जांपल का जो कोड है वो आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अवेलेबल हो जाएगा, उसमें आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो फर्स्टली मैं यहाँ पर अपना एक फाइल क्रिएट करता हूँ अकाउंट में या किसी भी फोल्डर में, आप राइट क्लिक करके ऐड में जाएंगे और एक वेब फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम मैं रख देता हूँ स्किन्स एग्जाम्पल 1। सो ये मेरा एक पेज क्रिएट हो गया जो इस वक्त फिलहाल एम्प्टी है। मैं यहाँ पर एक बटन प्लेस करता हूँ। अब इस बटन पे जो जो मैंने प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, आपको पता है कि जो आपके ASP.NET में आपके पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं आप इसमें जस्ट क्लिकिंग से सारी जो प्रॉपर्टीज है वो इस बटन पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस बटन का जो हम स्टार्ट से शुरू होते हैं इस, और इस बटन को हम रिचली डिजाइन करते हैं। इसमें जो आपका बैक कलर है, फॉर एग्जांपल आप इस बटन का जो बैक कलर है वो आप कोई लाइट येलो कर देते हैं। इस बटन को थोड़ा सा होगा वो हम इसको लार्ज करते हैं ताकि ये विजिबल हो जाए। इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर का जो कलर है फॉर एग्जांपल वो हम रख देते हैं डार्क, हम रख देते हैं फॉर ऑरेंज। आप देखेंगे इसको जो बॉर्डर है वो ऑरेंज कलर लग गया है इस पर। उसके बाद जो बॉर्डर का स्टाइल है, फॉर एग्जांपल हम इसको रख देते हैं डबल, डबल का मतलब है कि जो बॉर्डर है ये डबल बॉर्डर हो गया। उसके बाद हम इस बटन का जो फॉन्ट है उसको भी हम थोड़ा चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल उसको हम बोल्ड कर देते हैं, उसको हम इटैलिक भी कर देते हैं, उसको हम, उसका जो साइज है उस फॉन्ट का वो हम लार्ज कर देते हैं, उसका जो टेक्स्ट है हम टेक्स्ट चेंज करके कर देते हैं सेव, उसका जो फॉन्ट कलर है यानी कि जो टेक्स्ट का कलर है उसके कलर को हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल डार्क ग्रीन कर देते हैं। ये हमने सारी प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई कर दी। अब ये बटन हमारे पास एक क्रिएट है। अब हम ये चाहते हैं कि ये अब आने वाला जितना भी नया बटन हो, फॉर एग्जांपल जब भी मैं एक नया बटन यहाँ पर ऐड करूँ तो वो नया बटन जो है वो उसी तरह का ही हो, मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने इस पर अप्लाई की हैं वो इस पर अप्लाई ना करनी पड़े। ऑटोमेटिकली वो सारी प्रॉपर्टीज जो इस पर अप्लाई की हैं वो हर नए आने वाले बटन पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए।
ये काम हम स्कीम्स के थ्रू करेंगे। ये काम करने के लिए आप सबसे पहले अपना एक थीम्स का फोल्डर क्रिएट करेंगे। वो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप अपने ये जो प्रोजेक्ट है उस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे और उसके अंदर ASP.NET फोल्डर के ऑप्शन के मज़ीद आगे एक थीम्स का फोल्डर है। थीम्स का फोल्डर जब आप करेंगे तो आपके पास ये थीम्स ऐप थीम्स का एक फोल्डर क्रिएट हो गया और उसके अंदर आपके पास एक फोल्डर क्रिएट है थीम वन। अब इस थीम वन के अंदर आपने स्किन की फाइल क्रिएट करनी है। वो फाइल क्रिएट करने के लिए आप इस थीम्स पे जिस पे सर्कुलर शो हो रहा है आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर एक है स्किन फाइल के ऑप्शन, आप स्किन फाइल में जाएंगे क्योंकि आप अब एक स्किन क्रिएट करने लगे हैं और यहाँ पर इसका डिफॉल्ट नाम आ रहा है स्किन वन। आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं बट मैं इसी नाम के साथ इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक फाइल बन गई जिसका नाम है skin1.skin, इसकी एक्सटेंशन है। तो इसमें अभी कुछ नहीं है, दिस ऑल कोड इज कमेंटेड। सो अब मैंने जो अपना ये बटन का कोड है इस सारे कोड को मैं कॉपी करूँगा अपनी स्किन में। वो कॉपी करने के लिए आप ऑफ कोर्स इसके जो सोर्स है उस पर जाएंगे और आप देखेंगे कि ये आपके पास बटन का कोड आ रहा है, आपके पास ये बटन का कोड है। आप इस सारे कोड को, पूरे जो बटन की एक लाइन है इसको आप कॉपी करेंगे और अपने स्किन की जो फाइल है उसमें जाकर आप इसको पेस्ट कर देंगे। उसके अंदर जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर आपने कुछ चेंजेस ये करनी है कि जैसे कि ये आईडी है, क्योंकि आईडी जो है ये स्पेसिफिक बटन वन का आईडी है तो हम ये जो आईडी है स्पेसिफिक बटन का वो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि ये जो आईडी है वो इसका स्पेसिफिक इस बटन का है। तो जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो हम रिमूव कर देंगे और हम देखें तो इसमें सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हैं जैसे कि बैक कलर, बॉर्डर स्टाइल, सीएसएस की क्लास, बोल्ड, इटैलिक, साइज, जो जो भी हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं वो सारी इस पर इस बटन पर अप्लाई हैं। अब ये तो मैंने यहाँ पर कर लिया, अब मुझे इस स्किन फाइल को अपने पास अपने वेब पेज पे इंक्लूड करना है। वो इंक्लूड करने के लिए आप अपने जहाँ पे HTML है उसमें सबसे ऊपर से आएंगे और यहाँ पर पेज के आगे आप लिखेंगे थीम इक्वल टू वो जो आपके इस फोल्डर का नाम है थीम वन। वो ऑटोमेटिकली सजेशंस में आपको इंटेलिजेंस में आ जाएगा, आप वहाँ से इसको ऐड कर देंगे और इसको मैं कंट्रोल S से सेव कर दूंगा। अब अगर आप इसका डिज़ाइन देखें तो मेरे पास इस पेज पर सिर्फ एक ही बटन है। अब मैं इसको फर्स्टली आपको रन करके दिखाता हूँ फिर मैं आपको बताऊँगा कि स्क्रीन ये अप्लाई हुई किस तरह से है। तो आप देखेंगे एक बटन आपके पास सेफ का एक बटन आ गया जिस पेज पे जो आपने जो एक बटन लगाया था। अब हमने ये किया था कि इस बटन का सारा का जो कोर था वो हमने स्किन में कॉपी किया था और उस स्किन को अपने पेज के साथ लिंक किया था। अब आप फॉर एग्जांपल इस पेज पे और बटन्स ऐड करें, तो आपने फॉर एग्जांपल ये तीन बटन और ऐड किए जिनको आपने कोई इस वगैरह प्रॉपर्टी नहीं दी, लेकिन क्योंकि स्किन ऐड है, स्किन में ये लिखा हुआ है, स्किन के कोड में ये लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ पे बटन आएगा उस बटन पे आपने वही सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देनी है जो आपके पास इस बटन पे अप्लाइड थी। तो ये तीन बटन नीचे के आए हैं, देखने में तो यहाँ पर ये नॉर्मल बटन हैं बट जब आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका भी डिज़ाइन उसी तरह का हो जाएगा जो डिज़ाइन आपके स्किन में पड़ा है, यानी कि जो डिज़ाइन आपके पास फर्स्ट बटन का है उसी तरह से आपका बाकी जो बाकी तीन बटन हैं उसका डिज़ाइन भी आ जाएगा। तो इसको हम जब रन करेंगे अगेन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो बाकी तीन बटन थे वो भी उसी तरह के आ गए हैं जैसे आपका स्किन का बटन था। तो इस तरह से आप फर्स्टली एक ही दफ़ा अपना जो जो डिज़ाइन है किसी भी कंट्रोल का वो क्रिएट करके रख लेते हैं, उसके बाद हर आने वाला जो एलिमेंट है, हर आने वाला जो बटन है, हर आने वाली जो फील्ड है उसका डिज़ाइन वैसा ही हो जाता है जैसे आपने स्किन में रखा होता है। इस वीडियो का जो इसका जो कोड जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है ये आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।